आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से सीखेंगे कि फास्टैग आखिर काम कैसे करता है, यानी कि हाउ फास्टैग वर्क्स। सिर्फ फास्टैग के पीछे की टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि काफी बड़े लेवल पर हो रहे फास्टैग फ्रॉड को समझेंगे और उससे बचने का एग्जैक्ट तरीका भी देखेंगे। इस सब के अलावा ये भी सीखेंगे कि टोल लेन से गुजरते वक्त आपकी और आपके आगे वाली गाड़ी के बीच में एक और गाड़ी या 4 मीटर का डिस्टेंस होना क्यों जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 7 अलग अलग कलर्स के फास्टैग जारी किए हैं। कार, जीप, वैन एक्सेट्रा के लिए वॉयलेट कलर का फास्टैग, मिनी बस और 2XL वाले लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए ऑरेंज कलर का फास्टैग। जिसे पता ना हो वो जान ले कि किसी भी व्हीकल का वो पार्ट जो टायर्स को कनेक्ट करके उनको रोटेट करने में हेल्प करता है उसे एक्सल कहते हैं। 2XL वाले बस और ट्रक्स के लिए ग्रीन कलर का फास्टैग, 3XL वाले बस और ट्रक्स के लिए येलो कलर का फास्टैग, 4, 5 और 6XL वाले बस और ट्रक्स के लिए पिंक कलर का फास्टैग, 7 या उससे ज़्यादा एक्सल वाले ट्रक के लिए स्काई ब्लू कलर का फास्टैग, HCM यानी हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी और EME यानी कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जैसे JCB एक्सेट्रा के लिए ब्लैक कलर का फास्टैग। खैर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तहत जारी किया गया फास्टैग RFID टेक्नोलॉजी के बेसिस पर काम करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स की हेल्प से काम करती हो। आसान शब्दों में RFID टेक्नोलॉजी के 2 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला ये RFID टैग, जिसे फास्टैग भी बोला जाता है, और दूसरा ये RFID स्कैनर जो इस फास्टैग को स्कैन करता है। जैसे ही आपकी कार इस फास्टैग लेन में एंटर करती है, RFID स्कैनर आपकी कार पर लगे फास्टैग को स्कैन करने लगता है। अब फास्टैग में ये सब जो दिख रहा है, यानी कि टैग ID, बैंक नेम, कस्टमर केयर नंबर और लोगोज के अलावा 2 ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो नेकेड आईज से विजिबल नहीं होते। वो 2 कॉम्पोनेंट्स हैं चिप और एंटेना। इस चिप में आपके व्हीकल की वो सारी डिटेल्स होती हैं जिसकी हेल्प से ये पता लगाया जा सके कि उस व्हीकल का टोल फेयर कितना होगा, जैसे कि व्हीकल क्लास, व्हीकल वेट, फास्टैग ID, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हील बेस यानी कि 2XL के बीच का डिस्टेंस एक्सेट्रा। इसी तरीके से अगर ये ही RFID टैग इंसानों पर लगा दिया जाए तो ये इंसानों की डिटेल्स बता देगा, और जानवरों पर लगा दिया जाए तो RFID स्कैनर से स्कैन करके जानवरों की डिटेल्स भी देखी जा सकती है। इस एंटीना की हेल्प से ये RFID स्कैनर इस सारी की सारी व्हीकल इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कर पाता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते ही RFID स्कैनर सारी डिटेल्स टोल प्लाजा सिस्टम को यानी कि इस कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देता है। शायद आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन टोल प्लाजा पर रखे कंप्यूटर की स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है। इसमें टोल ओनर, ट्रांजैक्शन नंबर, CCTV रिकॉर्डिंग, डेट एंड टाइम, व्हीकल वेट, टेम्परेचर और लेन इन्फॉर्मेशन के अलावा RFID स्कैनर के द्वारा दी गई डिटेल्स इसी जगह पर होती हैं। ये सारी फास्टैग डिटेल्स इस टोल प्लाजा के कंप्यूटर से एक्वायरर बैंक को फॉरवर्ड की जाती हैं। अब यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको समझने होंगे, पहला एक्वायरर बैंक और दूसरा इशुअर बैंक। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। शॉपिंग करने के बाद जब मैं खरीदे हुए सामान का बिल पे करता हूँ तो जिस बैंक ने मुझे शॉपिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है वो तो हुआ इशुअर बैंक, लेकिन जो दुकान का मालिक उस पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा उसके बिहाफ पर जो बैंक काम कर रहा है वो हुआ एक्वायरर बैंक। उसके बिहाफ पर कैसे काम करेगा? जैसे ही मेरा कार्ड स्वाइप होगा, वैसे ही कार्ड फर्जी है या नहीं, कार्ड में क्रेडिट्स अवेलेबल हैं या नहीं, कार्ड पेमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये सब चेक करने की जिम्मेदारी एक्वायरर बैंक की होगी जो कि मर्चेंट की तरफ से काम करता है। इसी प्रकार टोल प्लाजा पर ट्रांजैक्शन होते वक्त जो बैंक कार ओनर के बिहाफ पर काम करेगा वो तो हुआ इशुअर बैंक, और जो बैंक टोल प्लाजा वालों की तरफ से काम करेगा वो हुआ एक्वायरर बैंक।
इसलिए फास्टैग डिटेल्स इस टोल प्लाजा के कंप्यूटर से एक्वायरिंग बैंक को फॉरवर्ड की जाती है। एक्वायरिंग बैंक के पास डिटेल्स पहुंचते ही ये पता लगाने के लिए कि फास्टैग डिटेल्स वैलिड हैं या नहीं, वो सारी डिटेल्स NETC मैपर को फॉरवर्ड कर देता है। NETC मैपर एक प्रकार की फास्टैग लाइब्रेरी है जिसमें आज तक जारी हो चुके सभी 1,30,00,000 फास्टैग्स की इन्फॉर्मेशन रहती है। अब NETC मैपर वापस एक्वायरर बैंक को बताता है कि उस फास्टैग की स्टेटस क्या है, वो वैलिड है या नहीं। अब अगर फास्टैग फर्जी हुआ तो एक्वायरर बैंक टोल प्लाजा सिस्टम के पास मैसेज भेजेगा कि इनवैलिड फास्टैग, और अगर फास्टैग वैलिड हुआ तो जो एक्वायरर बैंक है ये कैलकुलेट करेगा कि कितना अमाउंट लेना है और वापस NETC मैपर के पास डेबिट रिक्वेस्ट भेज देगा। अब ये NETC मैपर उसी डेबिट रिक्वेस्ट को ईश्वर बैंक के पास फॉरवर्ड कर देगा। ईश्वर बैंक फास्टैग होल्डर या दूसरे शब्दों में कार के मालिक के खाते में से टोल फेयर डिडक्ट करेगा और NETC मैपर को इन्फॉर्म कर देगा। फिर NETC मैपर एक्वायरर बैंक को इन्फॉर्म करेगा और एक्वायरर बैंक टोल प्लाजा सिस्टम को बताएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आते ही आपका बूम बैरियर खुल जाएगा और आप टोल प्लाजा क्रॉस कर पाओगे। अब बात करते हैं फास्टैग फ्रॉड की। ईश्वर बैंक NETC मैपर के अलावा कार के मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी अलर्ट SMS भेजेगा कि आपके फास्टैग अकाउंट से इतना टोल फेयर डिडक्ट हुआ है। पर प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम केसेस में ये SMS 10 मिनट से 1 घंटे के बाद आता है, यानी कि जब तक आपके पास SMS पहुंचेगा तब तक आप 12 किलोमीटर से लगभग 70 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके होंगे। SMS लेट आने की वजह से फास्टैग में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आइए देखते हैं कैसे।